गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आगे पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने चर्चा की थी अपने लोकसभा के जो प्रमुख तय जो सदस्यों की योग्यता है, और उसके साथ साथ हमने चर्चा की थी अधिकतम सदस्यों की। आज हमें लोकसभा का जो गठन है उसके अंतर्गत कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और उसके बारे में बातचीत करेंगे। आज का जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है सदस्यों की योग्यताएं। यानी कोई भी व्यक्ति है वो लोकसभा का सदस्य बनता है तो उसके लिए संविधान के द्वारा कुछ योग्यताएं हैं वो निर्धारित की गई हैं। जिस व्यक्ति में ये समस्त योग्यताएं होती है वो व्यक्ति क्या है कि लोकसभा का सदस्य बन सकता है। तो आइए चर्चा करते हैं कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए एक व्यक्ति के पास में किन किन योग्यताओं का होना आवश्यक प्रमुख बताया गया है। सबसे पहले बात आती है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए सबसे जरूरी बात है कि उस व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है। यानी वही व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बन सकता है जो भारत का नागरिक है, सबसे प्रमुख विशेषता बताई गई है। दूसरे किसी देश का व्यक्ति है वो लोकसभा का सदस्य है वो नहीं बन सकता, ये सिर्फ भारत में रहने वाले लोगों के लिए ही प्रमुख रूप से निर्धारित किया गया है कि भारत का नागरिक ही प्रमुख तय क्या है लोकसभा का सदस्य बन सकता है। आगे बात आती है कि किसी भी व्यक्ति को अगर लोकसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए क्या आयु निर्धारित की गई है, क्या कितनी उसकी आयु होनी चाहिए, न्यूनतम उसकी आयु क्या निर्धारित की गई है। तो ध्यान रखना कि कोई व्यक्ति जो लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी न्यूनतम जो आयु है वो कम से कम क्या है, 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी आयु होनी चाहिए उसकी, न्यूनतम जो आयु निर्धारित की गई है संविधान के द्वारा लोकसभा का सदस्य बनने के लिए वो 25 वर्ष निर्धारित की गई है। ध्यान रखना लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए दोनों की आयु अलग अलग है, सेम आयु नहीं है। ध्यान रखना लोकसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की जो आयु है वो 25 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। आगे बात आती है सरकार के लाभ के पद पर नहीं। जो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बन जाता है उससे पहले अगर उस वो किसी लाभ के पद पे कार्य कर रहा है साथ में, तो उसको अपने जिस पद पे वो वर्तमान में कार्यरत है उस पर से उसे त्याग पत्र देना पड़ेगा। यानी कोई व्यक्ति है वो लोकसभा में चुनाव जीत जाता है और चुनाव जीतने के बाद में जब वो शपथ लेता है तो उस दौरान उससे पहले उसको क्या है कि जिस वो लाभ के पद पे कार्यरत है, जिस सरकारी पद पे वो कार्यरत है वहां से उस व्यक्ति को क्या त्याग पत्र देना होगा। त्याग पत्र देने के पश्चात ही वह अपने वो प्रमुख तय क्या लोकसभा का सदस्य बन पाएगा। तो किसी भी व्यक्ति अगर वो लोकसभा सदस्य बनता है तो वो सरकार के किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। आगे बात आती है न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया न हो। जो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बन रहा है उसे न्यायालय के द्वारा या चिकित्सालय के द्वारा उसे पागल घोषित नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय के द्वारा उसको पागल घोषित नहीं किया गया हो, वो दिवालिया न हो। ऐसी स्थिति में अगर वो है, न्यायालय ने उसको पागल या दिवालिया घोषित कर रखा है, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति है वो लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता। तो प्रमुख तय ये योग्यताएं हैं वो समस्त लोगों के लिए निर्धारित की गई है। आगे का अपना इसका बिंदु आता है लोकसभा का कार्यकाल। कोई भी व्यवस्था हो, कोई भी संगठन हो, उस सब के क्या है कार्यकाल निर्धारित किए होते हैं ताकि एक निश्चित समय के बाद में चुनाव करवाए जा सकें और जनता के पास ये अधिकार सुरक्षित रहे कि उनके लिए क्या उचित है क्या अनुचित है उसका वो ध्यान में रखते हुए सरकार को दोबारा चुन सके। इसके लिए क्या है कि लोकसभा का कार्यकाल भी क्या है कि संविधान के द्वारा निर्धारित किया गया है। ध्यान रखना कि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष है। कितना वर्ष होता है लोकसभा का कार्यकाल, 5 वर्ष का बताया गया है। लेकिन ध्यान रखना कि कुछ विशेष परिस्थितियों में
कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आगे बात आती है कि लोकसभा है वो कौन सा सदन है। सदन दो प्रकार के होते हैं, अपने जो सदन है संसद के, ये दो प्रकार के सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें दो व्यवस्थाएं देखने को मिलती है, एक सदन तो है स्थायी सदन, एक है अस्थायी सदन। तो हम बात कर रहे हैं जब लोकसभा की, तो लोकसभा क्या है ध्यान रखना, अस्थायी सदन है, यानी इसको समय से पूर्व भी समाप्त किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है, इस कारण क्या है इसको अस्थायी सदन माना गया है। बात आती है कि लोकसभा को समय से पूर्व समाप्त या भंग किया जा सकता है, ध्यान रखना कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी, यानी लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष बताया गया है, तो 5 वर्ष पूर्व भी क्या है कि लोकसभा को समाप्त किया जा सकता है उसका कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी। आगे बात आती है प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति भंग कर सकता है। अब बात आती है कि लोकसभा भंग तो हो सकती है, लेकिन लोकसभा को भंग करता कौन है और इसकी सिफारिश है, इसकी जो सलाह है वो कौन किसको देता है। तो ध्यान रखना प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति से लोकसभा समाप्त करने के लिए प्रमुख रूप से क्या है कि परामर्श कर सकता है, उसको सलाह दे सकता है, और राष्ट्रपति क्या है प्रधानमंत्री की सलाह पर ही क्या है कि लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर सकता है, समाप्त कर सकता है। आगे बात आती है कि लोकसभा को कितनी बार समाप्त या भंग किया जा चुका है। तो ध्यान रखना कि कई बार ये क्वेश्चन आता है अपने, और ध्यान में रखना आवश्यक है कि अब तक लोकसभा है वो कितनी बार भंग या समाप्त की जा चुकी है। तो ध्यान रखना 9 बार अब तक क्या है कि लोकसभा को भंग किया जा चुका है, किसकी सहायता से, किसकी सलाह पे, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इसको भंग कर सकता है, किसको, लोकसभा को। आगे बात आती है कि वर्तमान लोकसभा का जो गठन है, वर्तमान जो लोकसभा अभी है उसका गठन है वो कब किया गया था। तो ध्यान रखना 17 जून 2019 को, कब किया गया था 17 जून 2019 को इसका गठन किया गया था। आगे बात आती है कि वर्तमान में जो लोकसभा है वो क्रमानुसार कौन सी लोकसभा है जिसका गठन है 17 जून 2019 को किया गया था। तो ध्यान रखना वर्तमान में जो लोकसभा कार्यरत है वो 17वीं लोकसभा है। कौन सी लोकसभा है, 17वीं लोकसभा है, वो वर्तमान में कार्यरत है, उसका गठन 17 जून 2019 को किया गया था। बात आती है कि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो बढ़ाया जा सकता है अगर आवश्यकता हो, और तो उसके कार्यकाल को, जो कार्यकाल 5 वर्ष है लोकसभा का, उसके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर लोकसभा के कार्यकाल को कब तक बढ़ाया जा सकता है, 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अब बात आती है कि ऐसा कौन सा समय था, ऐसा कौन सा सन था जिस समय लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया गया था। तो ध्यान रखना कि लोकसभा कार्यकाल बढ़ाया गया था, कब परिवर्तन किया गया था, तो 1976-77 में लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। इस प्रकार कार्यकाल में प्रमुख रूप से ध्यान रखना है 5 वर्ष निर्धारित किए गए हैं, 9 बार अब तक इसको भंग किया जा चुका है, और इसके साथ साथ प्रमुखतः क्या है, किसकी सलाह पे राष्ट्रपति है वो लोकसभा को भंग करता है, तो ध्यान रखना प्रधानमंत्री की सलाह से वो इसको भंग कर सकता है। अब आगे बात आती है, अब तक हमने चर्चा की लोकसभा की कार्यकाल की, तो हमने बात की प्रारंभ में कार्यकाल क्या था, 5 वर्ष था, और वर्तमान में भी कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन आवश्यकता अगर महसूस होती है, आवश्यकता अगर हो तो उसके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन प्रमुख अगर कार्यकाल की बात आई लोकसभा के, तो लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष का निर्धारित किया गया है, और वर्तमान में 17वीं लोकसभा है वो कार्यरत है, और उसका जो गठन किया गया था वो 17 जून को 2019 को किया गया था। आगे हम बात करते हैं अधिवेशन की, लोकसभा के जो अधिवेशन है वो किस प्रकार से होते हैं, उन अधिवेशनों को कौन बुलाता है, और कैसी स्थिति में ये प्रमुखतः कार्य करते हैं, इसके बारे में हमें विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक समय का अंतर नहीं होना चाहिए। लोकसभा की
जो बैठकें होती है उन बैठकों के मध्य समय निर्धारित किया गया है। यानी जब एक बैठक अगर वर्तमान में हो रही है तो उसके बाद अगली जो बैठक होगी उसमें 6 माह से अधिक माह का अंतराल गैप नहीं होना चाहिए। यानी 6 माह के अंदर है वो दूसरी बैठक होनी अनिवार्य है। तो इसमें स्पष्ट कहा गया है कि लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक समय का अंतराल या अंतर नहीं होना चाहिए। आगे बात यह है अधिवेशन है वो किसके द्वारा बुलाए जाते हैं, तो ध्यान रखना अधिवेशन को जो बुलाने का जो कार्य किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा अधिवेशन बुलाए जा सकते हैं। कई बार अगर विशेष परिस्थिति देश में उत्पन्न हो जाती है तो तत्काल में भी क्या है कि राष्ट्रपति के पास ये अधिकार रहता है कि वो प्रमुखतः मंत्रिमंडल से परामर्श करके प्रमुखतः क्या है कि अधिवेशन को बुला सकता है। आगे बात आती है लोकसभा के पदाधिकारी, यानी लोकसभा के जो प्रमुख पदाधिकारी है वो कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखना कि इसका जो वर्णन है कि लोकसभा के पदाधिकारी कौन कौन होंगे, इसका जो प्रमुखता वर्णन किया गया है वो संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार किया गया है। कौन से अनुच्छेद के अनुसार किया गया है, अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के पदाधिकारियों के बारे में वर्णन किया गया है। आगे बात आती है कि लोकसभा सदस्यों में से एक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का निर्वाचन, यानी लोकसभा में जो अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष होते हैं उनका जो निर्वाचन है जो चुनाव है वो किन में से होगा। तो ध्यान रखना लोकसभा के सदस्यों में से ही एक व्यक्ति को लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाता है और एक व्यक्ति को लोकसभा का उपाध्यक्ष बनाया जाता है। तो ध्यान रखना कि जिसमें योग्यता होती है उस व्यक्ति को सभी प्रमुख रूप से क्या है कि बहुमत के आधार पे विशेष योग्यता के आधार पे उसको क्या है एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाते हैं और दूसरे व्यक्ति को क्या है उपाध्यक्ष बनाया जाता है। विशेष बात में ध्यान रखना लोकसभा के सदस्यों में से ही ऐसा किया जाता है लेकिन इसकी कोई बाध्यता नहीं है। आगे बात आती है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अगर कार्यकाल से पूर्व अपना पद छोड़ता है, वो अपना त्याग पत्र देता है, तो अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देगा। तो ध्यान रखना कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अगर त्याग पत्र अपना समय से पूर्व देता है तो ध्यान रखना वो उपाध्यक्ष को क्या है कि त्याग पत्र देता है। अब बात आती है आगे कि उपाध्यक्ष होता है वो अपना जो त्याग पत्र है वो किसे देता है। तो ध्यान रखना जो लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है वो अध्यक्ष को संबोधित करके अपना त्याग पत्र देता है। इस प्रकार कुछ बातें स्पष्ट हो गई कि लोकसभा के सदस्यों में से ही क्या है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को बनाया जाता है। अनुच्छेद 93 में इसका स्पष्ट वर्णन किया गया है अध्यक्ष अपना जो त्याग पत्र है वो किसको देता है, उपाध्यक्ष को देता है, और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है, अध्यक्ष को देता है। अब बात आती है वर्तमान में, वर्तमान की हम बात करें तो लोकसभा का अध्यक्ष कौन है। ध्यान रखना कि लोकसभा का जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है ओम बिड़ला। लोकसभा के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन है, ओम बिड़ला। अब बात आती है कि लोकसभा के वर्तमान के उपाध्यक्ष कौन है। तो ध्यान रखना लोकसभा के जो उपाध्यक्ष का पद है वो वर्तमान समय में क्या चल रहा है, रिक्त चल रहा है। यानी उपाध्यक्ष के पद पे किसी व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया गया है। तो इस प्रकार ये लोकसभा का जो गठन होता है इसके बारे में हमें इन बिंदुओं के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है कि इसके अधिवेशन के बारे में, इसके पदाधिकारियों के बारे में, इसके कार्यकाल के बारे में, इसकी योग्यताओं के बारे में, तो ये प्रमुखतः जो है निर्वाचन के बारे में, इन बिंदुओं को अपन विस्तार से क्या है कि पॉइंट वाइज अपन को एग्जाम में लिखना होता है। तो इसलिए ये जो बिंदु है उनको जैसे जैसे आपको समझाया गया है, बताया गया है, ठीक उसी तरीके से आपको इसको लर्न करना है और अच्छी तरीके से तैयार करना है ताकि क्या है कि ये आपके अच्छी तरीके से रीड हो सके और अच्छी तरीके से क्या है आप ये तैयारी कर सको।